हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम कंटिन्यू करेंगे कैश बुक। हमने ऑलरेडी दो सम कर दिए हैं, अभी हमारा तीसरा सम है। ओके, सबको इधर तक समझा? एकदम परफेक्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईच एंड एवरी वन। ओके, स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग, आगे बढ़ेंगे। अमजद इज अ फर्नीचर होलसेलर, ठीक है। ही मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक, मतलब सम कौन सा है? 3 कॉलम कैश बुक है। और देखो लास्ट में पढ़ लेने का बोला भी है, कंप्लीट अमजद कैश बुक। सबको इधर तक समझता है बच्चे लोग ईच एंड एवरी, पर 3 कॉलम कैश बुक करना है, वही सम करना है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऑन 1st मार्च द बैंक स्टेटमेंट गिव्स अ क्रेडिट बैलेंस। अब बहुत लोग यहाँ पे धोखा खाएंगे। बैंक स्टेटमेंट कौन सा बैलेंस दे रहा है ईच एंड एवरी वन? बैंक स्टेटमेंट कौन सा बैलेंस दे रहा है? क्रेडिट बैलेंस। तो बैंक मतलब पासबुक। तो पासबुक का डेबिट होता है विड्रॉ और क्रेडिट होता है डिपॉजिट। मतलब बैंक स्टेटमेंट पासबुक की बात हो रही है। अगर पासबुक क्रेडिट देगा तो हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। नो डाउट एग्जाम में पहले से लिखा हुआ था, पर इन केस नहीं लिखा हो तो आपको समझना चाहिए। भले उसने क्रेडिट बोला है पर हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट है, मतलब पासबुक का क्रेडिट है, तो कैश बुक का क्या हो जाएगा? डेबिट। ये बात भूलना मत, पॉइंट टू बी नोटेड, स्टार मत। ओके, मार्च 6 पेड $950 बाई चेक। पेड मतलब पैसा आया के गया, गया बी कॉन्फिडेंट, अब इतना तो हमको आता है। पर इसमें क्या बोला है, दिस इंक्लूड 790 फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम एंड द बैलेंस फॉर रिपेयर टू एग्जिस्टिंग ऑफिस इक्विपमेंट। तो देखो 950 हमने पे किया, पर उसमें से पूरा का पूरा कंप्यूटर के लिए नहीं गया, 790 कंप्यूटर के लिए गया और बाकी का जो बचा, बाकी कितना बचा? 160, वो किस चीज का है? रिपेयर का। मुद्दे का बात यह है पेड मतलब पैसा गया, हाँ के ना ईच एंड एवरी वन? पेड मतलब पैसा गया। डेट क्या है? मार्च 6 बाय कंप्यूटर सिस्टम। सबको समझता है हाँ के ना? कितना चेक है? चेक है तो इधर कितना आ गया? 790। सबको समझा? 790। पेड भाई क्या बोला है? चेक 790 और 950 माइनस 790 कितना आ गया? 160। 160 क्या है? रिपेयर है, रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट बाय रिपेयर्स अकाउंट। कितना है? 160। बट टोटल हमारे जेब से कितना गया? 950। ये सबको ये सब बातें समझती है ईच एंड एवरी वन? यस और नो? चलो आगे बढ़ेंगे, एकदम ईजी था, सिंपल था। आगे नेक्स्ट क्या है? 13 Receive a check from XY Limited for $196. Receive मतलब पैसा आया। कितने का चेक है बच्चे लोग? $196 टू सेटल। याद रखना, सेटल आया मतलब डिस्काउंट है, पक्की बात है। टू सेटल इट्स अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये किया, याद आया कि नहीं? रिसीव अ चेक मतलब चेक कितने का है? 196 का। टू सेटल इज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट, याद आया? मतलब ये जो ऊपर $196 है वो 100 नहीं है, 100 माइनस 298 है। सबको ये मेरी बातें समझती है? देखो मैंने फिर से आपके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया। हमको चेक मिला तो 100 माइनस 2 क्या हो गया? 98। 100 ओरिजिनल अमाउंट, उसमें से 2 डिस्काउंट माइनस हुआ तो आंसर कितना है? 98। अब 98 कितना है? 1696। तो 100 कितना? बहुत लोग क्या करते हैं, 196 का 2% लेते हैं, आंसर गलत मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 196 इंटू 100 डिवाइड बाई 98, 98 वन सा 98 टू सा, तो अमाउंट कितना है? 200 और डिस्काउंट कितना है? 4। मतलब इसका मतलब यह, 200 लेना था मुझे, उससे 200 लेना था, उसने चेक कितने का दिया? 196। रिसीव अ चेक फ्रॉम XYZ लिमिटेड, हाँ के ना? रिसीव अ चेक फ्रॉम XYZ लिमिटेड। डेट क्या है बच्चे लोग? 13। XYZ लिमिटेड, बराबर है कि नहीं? लेना था कितना? 200, उसमें से 196 ये, तो डिस्काउंट कितना आया? देखो सब आपके सामने, डिस्काउंट कितना आया? 4। तो
तो चेक कितने का है 196 बच्चे लोग, और डिस्काउंट कितना है 4। क्या आपको मेरी ये बात समझती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था 196 ईच एंड एवरी वन। ये जो 196 है वो 2% माइनस होके आया है, तो वो 98 है, वो 100 नहीं है, तो हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नो? आगे 21 पेड फर्नीचर स्टोर अ चेक फॉर $3.51 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट ऑफ द बैलेंस ओइंग $360। देना था 360, दिया कितना 351। सिंपल सी बात है, पेड, पेड मतलब पैसा गया। हाँ के ना? यस और नो? ईच एंड एवरी वन यस और नो? हाँ के ना? सबको मेरी बातें समझती है? कोई डाउट? ओके चलो, ये बाई हम नहीं लिखेंगे, सॉरी, डायरेक्ट हम कंप्यूटर लिखेंगे, डायरेक्ट हम रिपेयर लिखेंगे। अब हम किसको पैसा दे रहे हैं? 21 को, फर्नीचर स्टोर को पैसा दे रहे हैं, सॉरी, फर्नीचर स्टोर को पैसा दे रहे हैं बच्चे लोग। हाँ के ना? देना कितना था बच्चे लोग? फिर से देखो, देखो देना था 360, दिया कितना 351, तो हमने उसको चेक कितने का दिया 351, और 9 का हमारे लिए क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। सबको समझता है? देखो पेड फर्नीचर स्टोर अ चेक फॉर 351, चेक कितने का है 351, और पेड मतलब पैसा गया, चेक कितने का है 351, देना कितना था 360, तो डिस्काउंट कितना हुआ 9। सबको समझा? सर आपने इसको क्रेडिट में क्यों लिखा? पैसा गया, एक सिंपल सा रूल है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। यस और नो? चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। ओके अब देखो, पेड वाला हो गया, मेड कैश सेल्स, हमने सेल्स किया तो पैसा आया, कितना आया 2148। यस और नो? सबको इधर तक समझता है? सेल्स किया तो पैसा आया, कितना आया 2148। हाँ के ना? सबको समझा? सेल्स का भी किया था 29। अभी सुनो 30 क्या बोल रहा है, पेड कैश ऑन टू बैंक, इन टू बैंक हमने, अभी सुनो सुनो सुनो, पहले इसका डेट लिख देते हैं बच्चे लोग 29। सबको मेरी बातें समझ रही है? ईच एंड एवरी, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमको ओपनिंग बैलेंस दिया था, फिर 6 तारीख को हमने 950 का चेक दिया, उसमें कंप्यूटर के लिए 790 था और रिपेयर के लिए था। फिर नॉर्मल है, अब तक इसमें कुछ टफ नहीं आया, फिर एक्स वाई जेड लिमिटेड, फिर फर्नीचर स्टोर। अब मुझे एक बात बताओ, पेड कैश इनटू बैंक मतलब मैंने बैंक में पैसा डाला, बोलो हाँ के ना? तो मेरे पास पैसा आया के गया? गया। कहाँ गया? बैंक में गया। तो याद करो, इसमें बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। ये सब कंसेप्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ, मतलब मेरे पास से पैसा गया, कितना गया 30 तारीख को $2,000 पैसा गया। कहाँ पे गया? बैंक में गया, इसलिए बैंक में 2000, सबको समझता है? और इधर क्या आ जाएगा? कैश। सबको समझा? हाँ के ना? बैंक में पैसा जमा हुआ, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड आएगा, और मेरे पास से कैश गया, कितना गया 2000, इधर कैश है तो इधर क्या आ जाएगा? बैंक आ जाएगा बच्चे लोग। यस और नो? सिंपल, एक एंट्री पढ़ने का, एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री में ध्यान रखने का, कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री है जो दोनों जगह आती है। ओके बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? अमजद रिसीव हिज बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक से मिला, पहले आप समझो, फॉर मार्च 2017 फॉलोइंग आइटम्स अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक स्टेटमेंट में आया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन हिज अकाउंटिंग रिकॉर्ड। मतलब बच्चे लोग, बैंक स्टेटमेंट में आया है पर उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में नहीं है, जैसे कि क्या है? बैंक चार्जेस, ईच एंड एवरी वन, हाँ के ना? तो इसको बैंक चार्जेस पे करना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो बैंक चार्जेस कितना है $29, ये बैंक स्टेटमेंट है, मतलब कौन से कॉलम में आएगा? बैंक कॉलम में आएगा, बैंक चार्जेस, बराबर है कि नहीं? कितना है बच्चे लोग, कितना था बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में, कितना है? ईच एंड एवरी वन, अमजद रिसीव्स बैंक स्टेटमेंट फॉर मार्च, कितना है बैंक चार्जेस $29, हाँ के ना? बैंक कॉलम में क्यों आया? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से मिला है। ओके, ये सारी एंट्रीज बैंक की है। फिर क्या था? इंश्योरेंस पेड डायरेक्टली बाय बैंक, बैंक हमारे बिहाफ पे इंश्योरेंस पे कर रहा है। सही, सब क्रेडिट में क्यों लिख रहे हो? क्योंकि पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट, $50। यस और नो? ईच एंड एवरीवन। फिर आगे क्या है? अ क्रेडिट कस्टमर, जो भी नाम है, आयरिश, हैड पेड हिज अकाउंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर। सुनो, एक कस्टमर ने पैसा दिया है,
अ क्रेडिट कस्टमर है पेड हिज अकाउंट, मतलब उसने अपना अकाउंट क्लियर किया बाई ट्रांसफर करके, मतलब पैसा हमारे पास आया है कितना 474, यस और नो? 474, ये सब बैंक की बात है इसलिए मैं कैश कॉलम में लिख रहा नहीं हूं। ये सब बातें हमको कहां से पता चली? बैंक स्टेटमेंट से, यस डेट और नो? क्या लिखा है? द बैंक हैड नॉट येट रिकॉर्डेड द ट्रांजेक्शन विच टुक प्लेस ऑन 21। ये सच्ची बोलू, ये हमारे फिलहाल काम का नहीं है, ये बीआरएस के लिए, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। हमको तो फिलहाल क्या बनाना था? एमेंडेड कैश बुक। सबको समझा, यस और नो? हमको क्या बनाना था? ट्रिपल कॉलम कैश बुक, हाँ के ना? कोई डाउट बच्चे लोग? ओके, अभी सुनो, अब हम क्या करेंगे? टैली करेंगे। क्या करेंगे? टैली। और आपको याद है कि नहीं, डिस्काउंट को हम कुछ भी नहीं करते, मैंने पहले ही सब में बताया था, डिस्काउंट वैसा का वैसा लिख देते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का टोटल कहाँ पे जाएगा? डिस्काउंट के लेजर में जाएगा, इसलिए हम उसको बैलेंस करते नहीं है, हाँ के ना? अभी कैश और बैंक को बैलेंस करते हैं। कैश, ओके, मार्च का महीना है, 31st, बैलेंस कैरी डाउन, कैश का टोटल कितना है? 40, 70, 86, 2186, बराबर है कि नहीं? तो इधर भी कितना हुआ? 2186, मतलब बैलेंस कितना बचा? 186। इसको हम, सॉरी, ये इधर नहीं आएगा, डेबिट ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है तो कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट में आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? ईच एंड एवरी वन, यस और नो? तारीख क्या है? 31st, तारीख क्या है बच्चे लोग? मार्च का महीना कब एंड होता है? 31st, बैलेंस कैरी डाउन कितना हो गया? 186। सबको समझा? वैसे अभी बैंक का करेंगे, बैंक का भी ज्यादा क्या लग रहा है? डेबिट लग रहा है, ईच एंड एवरी वन, हाँ के नाम? रफ में कर सकते हैं, 2750, बराबर 196, 2196, 474, 6410, 17 और 522, 6714, तो कितना हो गया? 5420। ये बैंक के डेबिट का टोटल है, उसमें से क्रेडिट क्या करना पड़ेगा? माइनस, ये जो भी क्रेडिट का टोटल है बेटा माइनस करोगे, और जो भी बैलेंस आएगा आप लोग क्या कर दो? लिख दोगे। चलो मैं आपके लिए कर देता हूँ, ईच एंड एवरीवन, बैंक का 790 है, प्लस क्या है? 160 है, बराबर है कि नहीं? फिर क्या है? ये 350, 370, 380, $430, बराबर 0918, 456, 1213, तो 5420 माइनस 1380, 0, 12 माइनस 8, 4, 4 माइनस 4, 0, 5, तो अपना फाइनल आंसर क्या है? $4040। देखो मैंने टोटल फास्ट फास्ट किया है, रॉन्ग हो सकता है, मेन आपको कंसेप्ट समझा, ईच एंड एवरी वन, यस और नो? देखो डिस्काउंट का टोटल मैंने क्यों नहीं किया, मतलब वो जैसा आया वैसा लिख दिया, क्योंकि डिस्काउंट कहाँ पे जाएगा? लेजर में जाएगा। सबको ये बातें समझती है? इसी के साथ मैंने तीन एग्जाम के सम बता दिए, ये नॉर्मल सम था। हमने यहाँ पे क्या बनाया? थ्री कॉलम कैश बुक, हम पहले ही और दो सम कर चुके हैं। मैं अभी भी आपको बोलूंगा, सम से ज्यादा आप कंसेप्ट पे फोकस करो, जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का। ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चे लोग, थैंक्स अ लॉट।